हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम चैनल पर। और आप सभी को हैप्पी होली। आप सबके जीवन में जो है एक नई खुशियाँ आए, जो रंगों का उत्सव है वो आपके जीवन में नई खुशियाँ लेकर आए। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेश पुरोहित है एंड क्रैक आरपीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको जो है अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी। वहां पर आपको क्या करना है कि अपने कॉन्टैक्ट नंबर देना है। जब आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर दोगे तो वहां पर आपके पास में एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी में आने के बाद में आपको क्या करना है, स्टेट पीसीएस में आरपीएससी पर क्लिक करना है। और हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आई होप आवाज आ रही होगी, सबको क्लियर है। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आपको आरपीएससी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आरपीएससी पर क्लिक करोगे तो आपको आरपीएससी से जुड़े हुए यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे। डेली लाइव क्लासेज होती है, आपकी स्ट्रक्चर कोर्स होता है, लाइव टेस्ट और क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस भी आपके लिए अवेलेबल है। 7 मार्च से हमारी टेस्ट सीरीज जो है प्रीलिम्स की भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें स्टार्टिंग के जो आपके 2 सब्जेक्ट होंगे वो राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान की पॉलिटी। राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान की पॉलिटी को अगर हम एक साथ जोड़ दे तो आर एस फ्री में लगभग लगभग जो है आपके 40 मार्क्स, आपके 40 मार्क्स, यानी कि आप ये मानकर चलिए कि लास्ट टाइम आर एस प्रीलिम्स में अगर आपके 200 में से 76 नंबर की कट ऑफ गई थी, उस 76 नंबर की कट ऑफ में अगर हम 2 सब्जेक्ट राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान की पॉलिटी से अगर 40 मार्क्स कवर करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और मैथ रीजनिंग को अगर आप जोड़ देते हैं 20-22 नंबर की तो लगभग लगभग 60-65 नंबर आपके हो जाते हैं। 3 सब्जेक्ट में 60-65 नंबर आपके अच्छे खासे कवर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छे खासे कवर हो जाते हैं। कट ऑफ आपकी 76 नंबर थी। तो एक वेल स्ट्रेटजी के साथ में हम टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें 7 मार्च से आरएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है और उसमें राजस्थान इकोनॉमी और राजस्थान पॉलिटी की टेस्ट सीरीज जो है वहां से शुरू करेंगे। वीक में 2 टेस्ट रखेंगे और उसमें सभी आपके जो है सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज होगी। तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। प्लस पर आप देखोगे तो कंप्लीट आपका सिलेबस होता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह ये होगा। मेरी जो क्लासेस 7:30 बजे अब नहीं हो पा रही थी रेगुलर, अब 7:30 बजे रेगुलर रहेगी। एंड आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। 7:30 बजे रहेगी डेली क्लासेस। देखिए, प्लस पर आप जब जुड़ते हैं तो ये कोड आप ध्यान रखिए, पुरोहित 10 कोड। इस कोड को आप अप्लाई करोगे तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको और भी जो क्लासेज है वो आपकी मिलेगी, जैसे रीट का बैच चल रहा है आपका यहाँ पर जो है, आरपीएससी एसआई का बैच चल रहा है, आरएस का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे कोर्सेज भी आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। आपके 1 साल की फीस जो है वो 7,000 रुपए है। इसमें आपका कंप्लीट आरएस प्री का कोर्स, आरएस मेंस का कोर्स हो रहा है। और मेरे जो नोट्स होंगे वो आपको हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में आपको अलग से मिलेंगे। दोनों के लिए नोट्स है, दोनों के लिए टेस्ट सीरीज है। इसमें मेंस की टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही थी वो 15 दिन से हम नहीं कर पा रहे थे, उसको वापिस हम रिस्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वो जो है कारणवश नहीं हो पा रही थी। तो आपकी ये पूरी फीस जो है 1 साल की 7,000 रुपए है। उसमें भी आपको रेफरल कोड मांगा जाएगा। रेफरल कोड में आपको क्या करना है कि ये मेरा कोड है पुरोहित 10, इस कोड को अप्लाई करते ही आपको क्या करना है कि इसमें अप्लाई करोगे तो एक तो सभी टीचर्स की क्लासेस मिल जाएगी और दूसरा इसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 7,000 रुपए की फीस आपकी 6,300 रुपए में हो जाएगी और 6,300 रुपए में आपका कंप्लीट कोर्स है, प्री और मेंस का बैच है, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासेस की। राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे कवर कर रहे थे और राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे जो है मेंस में आपके 30 मार्क्स आएंगे और प्री में आपके 22 से 25 मार्क्स, यानी कि जिस एग्जाम की कट ऑफ प्रीलिम्स की 76 नंबर हो उसमें 22 और 25 मार्क्स से जो है वो आपके इसमें से केवल इस सर्वे से कवर होंगे। और कल मैं प्रीलिम्स का आपका जो है शेड्यूल भी सेंड करूंगा, तो उसमें आरएस प्रीलिम्स के लिए राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होगी। मैं टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल आपको कल तक मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सर्विस सेक्टर। पहले हमने देखा था, मैं आपको बता देता हूं कहां, एक 10 मिनट में हम शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं, 10 या 5 मिनट में हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखा था कि सर्विस सेक्टर होता क्या है। तो हमने बात की थी कि सर्विस सेक्टर वो सारी चीजें, इनविजिबल चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन हम उसका एक मूल्य अदा करते हैं, उसका भी एक मार्केट वैल्यू होती है। जैसे बस में हम ड्राइविंग कर रहे हैं, साइबर कैफे में जाकर आपने साइबर कैफे में घंटे का 20 रुपए दिया और आपने साइबर कैफे यूज किया तो वो सर्विस आपको प्रोवाइड की, प्लम्बर व्लम्बर, ये सारी हमने बातें की थी।
हमने देखा था कि सर्विस सेक्टर का हिस्सा कितना है जीवीए में, यानी कि राजस्थान सरकार को अगर 100 रुपए की इनकम होती है, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं, तो उसमें जीवीए में लगभग 45.43% जो है वो सर्विस सेक्टर का हिस्सा है जीवीए में। जीवीए में सर्विस सेक्टर का हिस्सा सर्वाधिक है, लेकिन लेकिन कोविड के कारण जो है आप देखो तो कमी दिखाई दे रही है, -6.11% की जो है कमी अगर हम देखें बेस प्राइस पर जो है दिखाई दे रही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमने देखी थी, ये देखिए जो है यही -6.10.95 यही हमने बात की थी, मतलब एक एक कम से कम एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठोगे तो कम से कम ये तो समझ में आ गया कि भाई एग्रीकल्चर को छोड़कर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर दोनों में नेगेटिव ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है, ये हमने यहां तक हमने बात की थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सर्विस सेक्टर में भी कौन से सेक्टर से पैसा आता है। सर्विस सेक्टर में हमने देखा था कि सर्वाधिक आता है ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट। कॉमन सेंस एग्जामिनेशन हॉल में लगाना कि राजस्थान में पर्यटन टूरिज्म बहुत अच्छा है और होटल्स वगैरह जो है, जैसे आप ढाबे पर जाकर खाना खाया आपने तो वो भी एक सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है, होटल में जाकर कहीं आप गेस्ट हाउस में रुके वो भी एक सर्विस ही प्रोवाइड, तो उससे ज्यादा जो है पैसा हमें मिलता है सर्विस सेक्टर में, उससे ज्यादा मिलता है। जैसे इंडस्ट्री में हमने डिस्कस किया था कि भाई उद्योग में इंडस्ट्री में सर्वाधिक पैसा किससे आता है, तो हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, आपको याद हो तो विनिर्माण हमने डिस्कस किया था ना कि भाई इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, तो विनिर्माण में आता है। वैसे भी वैसे सर्विस सेक्टर में राजस्थान सरकार को सबसे ज्यादा इनकम कहां से मिलती है, तो व्यापार, होटल और जो आपका ट्रेड वगैरह है उनसे ज्यादा पैसा मिलता है। जैसे ट्रेड में आपकी किराने की दुकान, ये ट्रेड में गिनी जाती है, ठीक है। ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट आप देखोगे तो 26% के आसपास जो पैसा है सर्विस सेक्टर में वो यहां से आता है। लेकिन लास्ट 10 ईयर की देखो तो लास्ट 10 ईयर की ग्रोथ भी इन्होंने बताई है कि इतनी ग्रोथ जो है वो लास्ट 10 साल में राजस्थान के सर्विस सेक्टर में दिखाई दी है, तो ये भी एक डेटा आप ध्यान में रखकर जा सकते हैं, रखने की जरूरत नहीं है लेकिन याद रहे तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। फिर एक ग्राफ आपने देखा होगा छोटा सा, तो उसमें हमने देखा था कि भाई राजस्थान में पिछले अगर 4-5 साल की बात करें, 4-5 साल की बात करें तो रियल एस्टेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, रियल एस्टेट जो है वो धीरे धीरे वो जो है आप देखो तो रियल एस्टेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। रियल एस्टेट और दूसरे नंबर पर आता है वही आपका ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और, तो ये सर्वाधिक हिस्सा इन दोनों को ही दिख रहा है और ये घटता बढ़ता इन दोनों में रहता है, तो ये हमने बात की थी। फिर हमने सर्विस सेक्टर के कुछ कॉम्पोनेंट्स बात की थी कि भाई सर्विस सेक्टर जो है ये कैसे, कल आप मेंस देने के लिए जा रहे हो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के सेवा क्षेत्र, जैसे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि सेवा क्षेत्र के बारे में बताइए, सेवा सेक्टर से आप क्या समझते हैं, तो इन्हीं कॉम्पोनेंट्स उल्लेख कीजिए। पर्यटन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पुरातत्व संग्रहालय, जैसे म्यूजियम में हम घूमने के लिए जाते हैं 10 रुपए टिकट का लेते हैं वो सारा इसमें आता है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, हालांकि बैंकिंग सेंट्रल लिस्ट का विषय है लेकिन बैंक राजस्थान में भी स्थापित हुए हैं, सहकारी बैंक है, कॉपरेटिव बैंक है जो राजस्थान के कानून द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो है कॉपरेटिव एक्ट द्वारा लागू किया, इनका भी यहाँ उल्लेख है। और राजस्थान फाउंडेशन, तो एक एक कर हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने सबसे पहले टूरिज्म सेक्टर को देखा था कि राजस्थान के पास में टूरिज्म का एक अच्छा खासा हब है और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकता है टूरिज्म की हमने बात की थी। और टूरिज्म में हमने ये भी देखा था कि राजस्थान ने क्या क्या किया है, जैसे टूरिज्म पॉलिसी लाई है, पर्यटक पुलिस स्टेशन इन्होंने स्थापित किए हैं, ये सारी बात। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम में भी टूरिज्म को जो है, टूरिज्म होटल और मल्टीप्लेक्स को जो है एडिशनल 1 साल का बेनिफिट देने की बात की गई थी, बार लाइसेंस को जो है 50% की छूट देने की बात की थी, मोटर वाहन में जो है कंसेशन देने की बात की गई थी, टैक्स जो है आपका मोटर व्हीकल टैक्स, ये सारी बात हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि राजस्थान का टूरिज्म इतना अच्छा है कि राजस्थान को डेस्टिनेशन वेडिंग में जो है राजस्थान को अवार्ड मिला है 2020 में, जयपुर सिटी को जो है अवार्ड मिला है, ऐसे बहुत सारे अवार्ड भी हमने कल परसों जो क्लास हुई थी उसमें इकोनॉमिक सर्वे से हमने देखा था। इसके बाद में हमने देखा था कि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में सबसे पहले आप देखो तो टूरिज्म डिपार्टमेंट है और टूरिज्म को 1989 में टूरिज्म को जो है इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया था। पर्यटन विकास निगम है, होटल निगम है, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण है जो राज्य में स्टेट लेवल के 40 मेलों का आयोजन करता है, जैसे आपने पुष्कर मेले का नाम सुना होगा, जैसे आपने जो है कपिल मुनि के मेले का नाम सुना होगा, ऐसे बहुत सारे मेले भी आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद हमने कुछ योजनाओं की बात की थी टूरिज्म में, जिसमें हमने मरु त्रिकोण की बात की थी, शेखावटी ट्रायंगल की बात की थी, कृष्णा सर्किट की बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइबल सर्किट जो है वो बनाया गया है टूरिज्म के सेक्टर में। फिर हमने देखा था कि प्रसाद योजना जो सेंटर की है 2015 की, उसमें राजस्थान के अजमेर और पुष्कर को शामिल किया गया है। पेइंग गेस्ट योजना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर राजस्थान में, अगर आप रूरल जो है ग्रामीण पर्यटन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 2012 की योजना है पर्यटक सहायता बल जो है। उसके बाद शिल्पग्राम हमने देखे थे जहां पर हैंडीक्राफ्ट भी बिकता है और उसके साथ साथ में जो है आप ट्राइबल्स की जो
कल्चर है उससे भी आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें पुष्कर, उदयपुर, सवाई माधोपुर और पाल जोधपुर में ये चार जगह जो है राजस्थान में आप देखो तो शिल्प ग्राम को स्थापित किया गया। उसके बाद राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं, वो भी राजस्थान के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देते हैं या उसको जो है एक वर्ल्ड लेवल पर उसको जो है पहचान प्रदान करते हैं, तो ये भी हमने बात की थी। उसके बाद हमने बजट को, बजट में जो है इस साल क्या प्रोविजन किए गए हैं टूरिज्म को लेकर जो है वो हमने बात की थी, जिसमें एक नया पर्यट जो है एक सर्किट बनाया गया है इस साल के बजट में, सेकावटी जो सर्किट है उसकी हमने बात की थी। उसके बाद में जो है गोडवाड़ जो टूरिस्ट सर्किट है, गोडवाड़ पर्यटन सर्किट जो है उसकी हमने बात की थी, जिसमें आप देखो तो सिरोही, जालोर, बाड़मेर और पाली ये चार जिलों को मिलाकर जो है उसके जो हेरिटेज जो साइट्स है, जो हिस्टोरिकल साइट्स है, उनको मिलाकर सर्किट को बनाया गया था कि अगर इन चार जिलों में इस जगह घूम के आएगा तो वो कहीं ना कहीं उसको गोडवाड़ का जो टूरिज्म सेक्टर है उसके बारे में उनको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि बजट में है ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो है इसको स्थापित करने की बात की गई है जैसलमेर में, और यहीं पर राजस्थान फोक आर्ट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हम देखो तो एक राजस्थान सरकार अभी बजट में इन्होंने कहा है कि हम राजस्थान में फिल्म को, राजस्थानी फिल्म और जो डायरेक्टर जो है वो राजस्थान में अगर फिल्मों की शूटिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम स्पेशल प्रोविजन लेके आ रहे हैं। तो राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति या राजस्थान फिल्म जो है प्रमोशन स्कीम जो है उस पॉलिसी जो है इसको लाने की बात की गई है। फिर आप देखो तो आर्टिस्ट वेलफेयर फंड जो है, कलाकार कल्याण कोष जो है, उनके लिए 5 करोड़ रुपए जो है इन्होंने रखे, और नेहरू यूथ कल्चर एक्सपोजर प्रोग्राम जो है उसमें राजस्थान के 10,000 युवाओं को देश विदेश में, या देश विदेश में तो नहीं, देश में जो अलग अलग राज्यों में भ्रमण उनको करवाया जाएगा ताकि जो है उनको अन्य राज्यों की भी जानकारी मिल सके। तो यहां तक हमने बात की थी। अब यहां तक बात करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आप अगर मेंस देने के लिए जाना ही पड़ेगा, और उसमें जो है टूरिज्म सेक्टर पर अगर सवाल आता है तो देखो सवाल यहां से बनते हैं, तो आपका मॉडल आंसर जो होता है ना, मॉडल आंसर में भी ये फैक्ट आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, और इनसे ही फैक्ट बनता है, क्योंकि एक राजस्थान सरकार का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसको हम पढ़ते हैं। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे से अपने आंसर लिखोगे तो मॉडल आंसर में भी फैक्ट में मैचिंग होगी, आपके नंबर आने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है, बहुत अच्छे नंबर आने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। तो टूरिज्म को हमने कवर किया था। टूरिज्म को कवर करने के बाद में आगे बढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसको डिस्कस करेंगे, जहां से लास्ट टाइम सीधे सीधे मेंस में सवाल भी आए थे, तो इसको डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा दूसरे तरीके से इसको डिस्कस करवाऊंगा जो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए जब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से शुरू करते हैं, फिर इसको हेरिटेज वाले को कवर कर लेंगे, ठीक है, फिर इसको हेरिटेज वाले को कवर कर लेंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम सीधा शुरू कर रहे हैं, उसके बाद हेरिटेज की तरफ आएंगे, ये छोटे, ठीक है, छोटे। देखो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इसकी बात करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो जैसे यहां पर क्या ग्रोथ मिल सकती है, कैसे ये राजस्थान के सेवा सेक्टर में हिस्सा रखता है। जैसे आप देखो राजस्थान में जो स्टार्टअप जैसे स्विगी का बिजनेस अगर राजस्थान में हो रहा है, स्विगी स्टार्टअप है ना, तो अगर ऐसे कई स्टार्टअप राजस्थान में अगर नए नए स्टार्टअप आते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन राजस्थान में होता है, तो इससे राजस्थान सरकार को बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये स्टार्टअप क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो इस पर क्या लगेगा, स्टेट जीएसटी लगेगा। राजस्थान को सर्विस टैक्स मिला, किसमें जाएगा, आपके सेवा क्षेत्र में शामिल होगा। स्टार्टअप है, स्टार्टअप को बढ़ावा देना है राजस्थान में, तो आपको स्टार्टअप पॉलिसी लानी पड़ेगी, आपको इंक्यूबेशन सेंटर जो है जैसे भामाशाह टेक्नो हब जयपुर में है, ऐसे टेक्नो हब स्थापित करने पड़ेंगे। ये राजस्थान सरकार भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ कर रही है, जैसे राजस्थान सरकार अगर आपके लाइट बिल जो है वो ई मित्र से भरवा रही है, तो ई मित्र से भरवा रही है तो वहां पर एक शुल्क लगता है, वहां पर जो टैक्सेस वगैरह पे या जो भी 2 रुपए 3 रुपए जो भी लगता है, तो वो उनको आमदनी होती है, लेकिन वो सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। आमदनी ना भी हो तो भी वो सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। तो या फिर आप देखो राजकाज जैसे पोर्टल है, या आप देखिए तो
आप जो है निगम की कोई वेबसाइट पर जाकर आप जो है कोई नल का कनेक्शन वगैरह आप लेने के लिए फिल करते हो, ये सारे सर्विस सेक्टर में ही आते हैं, ये इसमें ही शामिल किए जाएंगे। तो इसमें एक एक कर हम डिस्कस करेंगे क्या है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राजस्थान में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में दो संस्थाएं जो है वो काम कर रही है। एक तो आपने नाम सुना होगा, देखो एक तो ये अपना विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये राजस्थान सरकार का डिपार्टमेंट है, जो नोडल बॉडी है राजस्थान में, जो भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में काम किया जाता है वो यही विभाग करता है। इस विभाग के अधीन एक तो ये संस्था काम कर रही है और एक ये जो है इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है। इसका नाम है राजस्थान इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, आपके सर्वे में लिखा होगा राजस्थान इन्फो सर्विसेज लिमिटेड है ना, इसको कहते हैं राजस्थान, इसको समझिएगा इन्फो सर्विसेज लिमिटेड। अब ये जो संस्था है, ये संस्था है, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। ये क्या काम करती है, जैसे मान लीजिए कि आप कल आरएस अधिकारी बनेंगे, नहीं आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करना होगा, तो वहां पर जो भी कम्युनिकेशन बेस्ड जो काम किया जाता है या जो भी टेक्नोलॉजी बेस पर काम किया जाता है, जैसे आईसीटी ई गवर्नेंस का आप जो समझते हो, वीडियो वॉल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, आईफैक्ट है, राजकाज है, ऐसे पोर्टल पर जाकर आपको काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जैसे सेमिनार होते हैं आरएस अधिकारियों के या उस इंस्टीट्यूट में, उस डिपार्टमेंट में जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो राजस्थान इन्फो सर्विसेज लिमिटेड ये क्या करता है कि राजस्थान के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनको अगर टेक्निकल सपोर्ट देना होगा तो ये करेगा, राजस्थान इन्फो सर्विसेज लिमिटेड करेगा। और जो राजस्थान सरकार की योजना है जो टेलीकम्युनिकेशन बेसिस पर है, जैसे आपने नाम सुना होगा राजस्थान एक योजना है, राजस्थान जन आधार योजना है ना, राजस्थान जन आधार योजना का नाम सुना होगा, अभी पढ़ेंगे भी राजस्थान जन आधार योजना। अब ये राजस्थान जन आधार जो योजना है, इसमें आपका एक 10 अंकों का वो एक आधार कार्ड बनेगा जन आधार, और पूरे परिवार का मिलाकर 11 अंकों का मिलेगा। ये अब ये राजस्थान सरकार की योजना है, टेक्नोलॉजी बेस पर है, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, संचार विभाग ये करेगा। इस विभाग के अंतर्गत ये बॉडी है राजस्थान इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, ये संचार योजनाओं को क्रियान्वित ये करता है, मतलब ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है। फिर दूसरा आपने नाम सुना होगा राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जैसे आपने, ये क्या करता है, इसका काम है राजस्थान में डिजिटल शिक्षा को आगे बढ़ाना है, ताकि डिजिटल जो डिविडेंड होता है या डिजिटल डिविडेंड मिले और डिजिटल डिवाइड जो है वो कम हो जाए, है ना, डिजिटल डिविडेंड हमें मिले और डिजिटल डिवाइड जो है वो कम हो जाए। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आपने देखा होगा कि आरएससीआईटी के कोर्स आपने देखे होंगे, तो आरएससीआईटी का कोर्स ये क्या है, ये हमारे से जुड़ा हुआ है कि भाई जो लोग है राजस्थान के उनको हम एक बेसिक कंप्यूटर की जानकारी प्रदान करें, ताकि उनको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का वो अच्छे से यूज करे, तो इसके लिए तो राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और राजस्थान इन्फो सर्विसेज लिमिटेड हमारे डिपार्टमेंट के लिए। तो ये दो बड़ी इंस्टीट्यूशन है जो काम करते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं। तो एक तो पहले आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है सर, ये अगर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये इंस्टीट्यूशन है हमारे पास में जो काम करते हैं। अब इन्होंने क्या क्या काम किया, देखो मैं थोड़ा बेसिक से बताऊंगा। जब वसुंधरा जी की सरकार थी यहाँ पर, तो 2017 में उन्होंने राजस्थान में डिजिटल एजुकेशन को, क्योंकि ये बताऊंगा ना तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब 2017 में इनकी सरकार थी, तो उन्होंने क्या कर दिया था कि राजस्थान में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक डिजी फेस्ट नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था। डिजी फेस्ट, जैसे राजस्थान का पहला डिजी फेस्ट जो है वो 21 मार्च 2017 को जयपुर में किया, और फिर 18 अगस्त 2017 को कोटा में किया था, संभाग स्तर पर करने की कोशिश की जा रही थी, जैसे एग्रीटेक किया जा रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसी तरीके से डिजी फेस्ट। तो जब इन्होंने कोटा में डिजी फेस्ट किया था, तो कोटा में एक नई चीज निकल कर बाहर आई थी जो आज तक लागू है। कोटा जब डिजी फेस्ट हुआ, तो वहां पर डिजी फेस्ट में राजस्थान सरकार का जो ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, इन्होंने 3 नए इनिशिएटिव लिए थे। एक तो इन्होंने लाया था आई स्टार, कोटा डिजी फेस्ट जो 18 अगस्त 2017 में आया था, जयपुर डिजी फेस्ट में कोई बड़ा पोर्टल, कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया गया था, एक जो है बातचीत हुई वो वाली बात जो है, जयपुर डिजीफेस्ट पहला था, उसके बाद दूसरा आया कोटा डिजीफेस्ट 18 अगस्त 2017 को, तो वहां पर आई स्टार्ट लाया गया। आई स्टार्ट क्या है, एक राजस्थान का अभी सबसे बड़ा पोर्टल बनकर आया है, जो राजस्थान के जो उद्यमी है और जो व्यापारी है उनको हम किस तरीके से नए नए आइडिया से उनको प्रॉफिट दे सकते हैं, एक पहुंच करवाई है। जैसे मान लीजिए कि कोई आइडिया है कोई, और उस पर अगर राजस्थान के एंटरप्रेन्योर जो है उद्योगपति है उनको उनके साथ जोड़ना है, तो आई स्टार्ट जो इस प्रकार का एक पोर्टल है। अभी आपने देखा होगा तो बजट में इन्होंने कहा कि हम आई स्टार्ट रूलर को भी ला रहे हैं, आपने नाम सुना होगा इस साल अशोक जी ने बजट में क्या कहा है कि आई स्टार्ट जो पोर्टल है जिसमें स्टार्टअप जो है
स्टार्टअप की गतिविधियां खूब आगे बढ़ रही है। इसमें क्या है कि आई स्टार्ट पोर्टल पर राजस्थान सरकार की स्टार्टअप से जुड़ी हुई अच्छी खासी योजनाएं हैं और इन योजनाओं का लाभ ये जो आई स्टार्ट प्लेटफॉर्म पर राजस्थान सरकार जो भी अच्छे कदम लेकर आ रही है स्टार्टअप के लिए सर्विस सेक्टर में, तो इससे हमारे जो एंटरप्रेन्योर है वो वहां जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, उसकी वहां पहुंच है उनको। तो ये लाया गया ताकि वो उनको सारे अवसर है, सारे जो अपॉर्चुनिटी है वो एक ही जगह मिल जाए। एक पोर्टल हमने बना दिया स्टार्टअप का उद्योगपतियों के लिए। अब ये इसी प्रकार का पोर्टल हमारे ग्रामीण युवाओं के लिए भी बनाया जा रहा है। इस साल बजट में प्रोविजन किया गया। दूसरा है चैलेंज फॉर चेंज, ये भी कोटा डीजीफेस्ट में लाया था। चैलेंज फॉर चेंज में क्या किया कि जो हमारे एनजीओ है, जो हमारे स्टार्टअप है, अगर वो राजस्थान सरकार को हेल्प करना चाहते हैं, है ना, कि राजस्थान सरकार की कार्य प्रणाली जो प्रॉब्लम्स है उसको अगर दूर करना चाहते हैं तो एक चैलेंज दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वहां पर कैनल वगैरह बार बार टूट जाती है, सेम की वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, पानी भर जाता है, फिर जो है सैलिनिटी आगे ऊपर आ जाती है, वो खराब हो जाती है। तो क्यों ना चैलेंज फॉर चेंज जो है ये, हालांकि इन दोनों पर काम नहीं हो रहा है अभी, ये आगे बढ़ गया है स्टार्ट, अभी देखो तो इसका उल्लेख मिलता है, इन दोनों का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन आपको समझ में आना है कि भाई ये ऐसे ऐसे शुरू हुआ था, ठीक है। चैलेंज फॉर चेंज में इन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार से आप जुड़कर हमारी मदद कर सकते हैं। तीसरा था राजस्थान स्टेक, इसमें जो राजस्थान को टेक्नोलॉजी में जो बाधा आ रही है उसको दूर करने के लिए, जैसे कोई युवा मान लीजिए राजस्थान सरकार की कोई वेबसाइट है वो बार बार हैक हो रही है या उसमें इंक्रिप्शन की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें आप जुड़कर राजस्थान स्टेक नाम का एक पोर्टल होगा, आप वहां जाइए उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये कोटा डिजिफेस्ट में ये तीन प्लेटफॉर्म लाए गए थे, आई स्टार्ट, चैलेंज फॉर चेंज एंड राजस्थान स्टेक, ये कोटा में लाया, ठीक है। पहला डिजिफेस्ट जयपुर में हुआ, दूसरा कोटा में हुआ। कोटा में तीन चीजें आई 2017 में, आई स्टार्ट आया, चैलेंज फॉर चेंज आया और राजस्थान स्टेक आया। आई स्टार्ट रूरल जो है वो इस साल बजट में आया। इसके बाद अगला डिजिफेस्ट जो हुआ था वो उदयपुर में हुआ था। उदयपुर में डिजिफेस्ट हुआ 2-3 दिसंबर 2017 में। ये सारे संभाग स्तर पर हो रहे हैं, देखो जयपुर में पहला हुआ, फिर दूसरा कोटा संभाग में हुआ, तीसरा उदयपुर में हुआ। जब तीसरा उदयपुर में हुआ तो एक नया कंसेप्ट आया जो आज आपके इकोनॉमिक सर्वे में शामिल है, ई मित्र प्लस, ठीक है। ई मित्र प्लस, एक तो आपने ई मित्र का नाम सुना होगा, अपने सिंपल ई मित्र की दुकानें होती है, ठीक है ना, एक सिंपल अपने ई मित्र की दुकानें होती है जो अपन वहां जाते हैं, लाइट वगैरह बिल जो है वो ई मित्र वाले वहां पर जो व्यक्ति बैठते हैं उनको आप जाइए, वो लाइट बिल वगैरह आपका जन्म प्रमाण पत्र वगैरह वो उसके लिए ऑनलाइन फिल डेटा जो आपका है वो फिल कर लेते हैं। 2017 में उदयपुर डिजिफेस्ट में ई मित्र प्लस नाम का कंसेप्ट आया था, अभी भी चल रहा है ये। इसमें क्या है कि जैसे एटीएम नहीं होता, एटीएम में इस प्रकार का ई मित्र प्लस कोई व्यक्ति नहीं होगा, आप जाइए आप खुद ही अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सारा स्कैन कीजिए, कोई व्यक्ति नहीं है। ई मित्र प्लस में क्या ऑटोमेटिक है पूरा, वहां पर कोई व्यक्ति नहीं होगा, ये लाया इन्होंने। उदयपुर डिजिफेस्ट में इन्होंने राजमेल नाम की एक निशुल्क हिंदी ईमेल, है ना, राजमेल, ये देश की पहली ऐसी ईमेल सर्विस है जो आपको हिंदी में आपको ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ये उदयपुर डिजिफेस्ट में लाया। फिर इन्होंने कहा कि जयपुर में हम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेंगे, तो जयपुर में एक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है, बाबा सा टेक्नो हब का नाम सुना होगा आपने। फिर राज वाईफाई नाम का एक कंसेप्ट लाया था जिसमें कहा कि राजस्थान के निवासियों को निशुल्क इंटरनेट जो है प्रदान करेंगे, जैसे अभी पीएम वाणी योजना आपने नाम सुना होगा, वो निशुल्क जो है वाईफाई। तो ये उदयपुर डिजिफेस्ट में भी चार प्रोग्राम लाए गए थे, ई मित्र प्लस, राजमेल, इंक्यूबेशन सेंटर और राज वाईफाई लाए गए। इसके बाद अगला डिजिफेस्ट हुआ बीकानेर में 26 जुलाई 2018 में। वहां पर दो चीजें आई थी, एक आया था एडयू हैक और एक आया था द ग्रीन अथॉन। इन दोनों का उल्लेख तो सर्वे में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने मेंस के आंसर में शामिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये वेबसाइट पर राजस्थान सरकार की वहां उपलब्ध है। एडयू हैक जो है वो 24 घंटे का एक मैराथन वहां हुआ था, जिसमें टीचर्स, प्रोफेसर जो लेक्चरर्स थे उनको एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि भाई वो हमारे शिक्षा क्षेत्र में किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। तो एक एडयू हैक नाम का एक हैकथन चलाया था जिसमें टेक्नोलॉजी बेस पर कि जैसे टीचर टाइम से नहीं आ रहे तो उनके लिए क्या किया जा सकता है ना, तो वो सारा काम एडयू हैक में हुआ था। ऐसा ही था द ग्रीन अथॉन, ये भी एक 24 आवर्स का एक कोडिंग कंपटीशन वहां हुआ था जिसमें दुनिया को हम किस तरीके से नया कर सकते हैं, किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बीकानेर डिजिफेस्ट हुआ 2018 में, उसके बाद सरकार बदल गई और डिजिफेस्ट होना बंद हो गया था, ठीक है। अच्छा खासा एक मतलब हर 3-4 महीने में कुछ राजस्थान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ हो रहा था, ये सारा चीज। अब इसमें से कुछ चीजें इस साल सर्वे में शामिल किए उसको हम देखेंगे, कुछ नई चीजें आई है। जैसे अशोक जी ने इस साल एक नया पोर्टल आया जिसको कहते हैं जन सूचना पोर्टल, है ना, जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल ये इस साल के सर्वे में नया है जो अभी पूछने की संभावना है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो हमारे राजस्थान के नागरिक है उन नागरिकों को अगर हम ट्रांसपेरेंट बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप जन सूचना
लोगों को सूचना दे दीजिए। राजस्थान सरकार अगर कोई योजना लेकर आई है तो इस जन सूचना पोर्टल इज ए वेबसाइट। इससे क्या है, वेबसाइट, इस वेबसाइट पर उस योजना का उल्लेख मिल जाएगा। जैसे होता है ना कि आज जैसे मान लीजिए आप आरएस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको राजस्थान की लगभग 99 योजनाओं की जानकारी चाहिए ना, 99 योजनाओं की जानकारी, तो इस पोर्टल पर जाइए। आपको अलग अलग वेबसाइट को खंगालने की जरूरत नहीं है और ऑफिशियल आपको यहां पर उस योजना का उल्लेख मिलेगा। ठीक है, जन सूचना पोर्टल पर जाइए तो एक प्रकार से इसमें राजस्थान सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध करवाई जा रही है और यहां पर 55 विभागों की लगभग 99 जो स्कीम्स है और उससे जुड़ी हुई 227 जानकारियां इस पोर्टल पर उपलब्ध है। पहला ये पोर्टल, ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ये क्या है, आप इसका उल्लेख आपके ई गवर्नेंस में भी कर सकते हैं। जो आपके सिलेबस में ई गवर्नेंस लिखा हुआ है इसमें भी आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। जो इसमें उल्लेख किया उसकी बात करेंगे। दूसरा आप देखिए, एक राजस्थान स्टार्टअप नाम से जो है राजस्थान सरकार ने एक नया एक तरीके से एक इनिशिएटिव लिया है। इसमें कुछ नहीं है, राजस्थान स्टार्टअप वही है, आई स्टार्ट जो है ना, आई स्टार्ट कब आया था, हमने अभी डिस्कस किया था। आई स्टार्ट जो आया था वो आप देखिए तो कोटा डिजी फेस्ट में आया था 18 अगस्त 2017 को। तो ये जो आई स्टार्ट आया है इसको ही अब नाम राजस्थान स्टार्टअप, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है ये। इसमें आप देखो तो ये देखो इसमें स्टार्टअप का एक सिंगल विंडो बन गया, ये जो है ना राजस्थान स्टार्टअप आई स्टार्ट जो है पोर्टल, राजस्थान स्टार्टअप का सिंगल विंडो बन गया है। इसमें आप देखिए तो चैलेंज फॉर चेंज देखो यहां उल्लेख मिल रहा है, चैलेंज फॉर चेंज, राजस्थान स्टेक, क्यूरेट रेटिंग सिस्टम है, इंक्यूबेशन सेंटर जो जयपुर वाला है, आई स्टार्ट नेक्स्ट जो है वो जयपुर कोटा उदयपुर, ये क्या है, वही है जयपुर कोटा पर उदयपुर जो है ना, ये जयपुर कोटा और उदयपुर क्यों लिखा है, ये वही है आई स्टार्ट नेट जो ये हमने देखा ना, ये इसमें बीकानेर का इन्होंने उल्लेख नहीं किया, लेकिन बीकानेर डिजिफेस्ट ये तीनों का उल्लेख किया इन्होंने, जयपुर जो है जयपुर कोटा उदयपुर डिजिफेस्ट का यहाँ पर उल्लेख सर्वे में मिलता है लेकिन बीकानेर का नहीं मिलता, क्योंकि बीकानेर में कोई पोर्टल नहीं बना था। यहाँ पर एक 24/24 का एक कंपटीशन हुआ था वो बचता था। ये कल आपसे एक मेंस में ये सवाल भी पूछा जा रहा है, जाए कि भाई बताइए सेवा सेक्टर आपके सिलेबस में है और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्टअप को आगे बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है, तो आपको इनका उल्लेख करना होगा कि भाई एक आई स्टार्ट पोर्टल बनाया गया है, डीजी फेस्ट हुए हैं, उसमें राजस्थान चैलेंज फॉर चेंज वगैरह ये सारे जो काम किए जा रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। और इसके अलावा जयपुर में अभी राजस्थान का एकमात्र इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो जयपुर में है। इंक्यूबेशन सेंटर क्या है, एक तरीके का कारखाना मान सकते हैं, जहां पर मान लीजिए मेरे पास में एक आइडिया है कि मैं फ्री में टेस्ट सीरीज करवाऊं सिंपल रूप से, लेकिन मुझे ऐप डेवलप नहीं करने आती है, तो इंक्यूबेशन सेंटर में वहां पर मुझे सारी जानकारी मिल जाएगी, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो कोडिंग कैसे करना है क्या है वो सारी जानकारी इंक्यूबेशन सेंटर में मिल जाएगी। राजस्थान का अभी एकमात्र इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो जयपुर में है, बाकी जगह खोलने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि जयपुर अजमेर भरतपुर बीकानेर में कार्य प्रगति पर है, तो ये आपको ध्यान में रखना अभी जयपुर में ही है। इसके अलावा देखिए तो राजस्थान संपर्क पोर्टल, ये तो सिंपल सी चीज है, इसमें क्या है कि आप अगर राजस्थान सरकार का जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है उसको लेकर आपको कोई शिकायत है, आपको किसी सेवा के टाइमलाइन को लेकर शिकायत है, आप किसी के अगेंस्ट में शिकायत करना चाहते हैं, तो राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जाइए और वहां पर जाकर जो है आपकी जो है शिकायतें जो है दर्ज हो जाएगी। एक तो संपर्क पोर्टल पर आप सीधा जाकर वहां लॉगिन कर सकते हैं और दूसरा आपको जो है अगर आप वो नहीं तो आर्टिकल सॉरी ये कॉन्टेक्ट नंबर जो है 181 पर जाकर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये आप देखिए तो इसमें आपकी जो सेवा है उसमें रियल टाइम चेकिंग होती है, ये ठीक भी है, विद इन 24 आवर्स में एक तरीके से आपकी शिकायतों का निवारण करने की कोशिश की जाती है या उससे आगे भी एनालिसिस करने के लिए जो है डेटा भेज दिया जाता है। तो ये राजस्थान संपर्क पोर्टल फॉर शिकायत निवारण, ठीक है, ये क्या है आपका जो रिड्रेल जो आपकी ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म जो है वो राजस्थान संपर्क पोर्टल है, ये आपको ध्यान में रखना है। की पॉइंट ये है, ये की पॉइंट जो है, इन्होंने कहा है कि कोविड के समय लगभग 80,000 के आसपास राजस्थान के लोगों ने शिकायतें की थी और उसमें उन्होंने कहा कि इससे हमने 2,78,000 के आसपास शिकायतों का निवारण भी कर दिया। ये भी इस वेबसाइट जो है ये इकोनॉमिक सर्वे इसका दावा कर रहा है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल फॉर शिकायत ये आपको की पॉइंट में याद रखना है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से वीडियो वॉल है, वीडियो वॉल जो है ये प्रत्येक पंचायत समिति, ये की पॉइंट है याद रखने के लिए। कल आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वीडियो वॉल कहां पर स्थापित की जाती है, जिला मुख्यालय पर, ग्राम पंचायत पर, है ना, जिला परिषद पर नहीं, पंचायत समिति पर इसको स्थापित किया जाता है। वीडियो वॉल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जो है वो बीडीओ से वहां पर बात करना चाहते हैं कि योजनाएं जो है वो किस तरीके से क्रियान्वित हो रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या रिजल्ट है, कहां पर प्रॉब्लम आ रही है,
कोई नवाचार लिया जा रहा है उनसे और लोगों से भी उनसे जोड़ा जाएगा, जैसे वीडियो वॉल में जाकर लोग भी उससे जुड़कर जो है, जैसे कोविड के समय ऐसी चीजें बहुत काम आई थी, वीडियो वॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें जो अभी फिजिकल डिस्टेंस हमें रखनी थी, तो ऐसे में ये ई गवर्नेंस में बहुत, इन दोनों ने बहुत बड़ा काम किया था ताकि काम रुका नहीं था, है ना, वीडियो वॉल और ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो वॉल पंचायत समिति पर ही होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो हर एक ब्लॉक स्तर पर है, हर एक ग्राम पंचायत पर इसको स्थापित किया गया है। इसी तरीके से एक राजनेट ये पूछा जा सकता है, राजनेट देखिए आप लोगों तक या आप अपने गवर्नेंस में तभी आप ई गवर्नेंस ला सकते हैं जब आपके डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट वाईफाई से जुड़े हुए हो। सबसे पहली बात तो ये, लोगों तक आप डिजिटल गवर्नेंस तभी लेके जा सकते हो जब लोगों के पास ऐसे मोबाइल हो, वो सस्ते हो, उनको जो डेटा मिले वो बहुत ही सस्ता मिले ताकि वो यूज कर पाए, फिर उस सर्विस को कैसे यूज करना है उसका इनके पास नॉलेज भी होना चाहिए। इसी तरीके से जो राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंट है भाई, उनको भी तो हमें इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तभी तो वो ऑनलाइन हो पाएंगे, है ना। तो राजनेट क्या है कि राजनेट एक राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, इसके माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर जो है ग्राम पंचायतों को भी इंटरनेट से जोड़ा गया है राजस्थान वाइड एरिया नेटवर्क के तहत, जिसमें ऐसे है इस तरीके से आप देखो तो जिला तो आगे आपका जो है स्टेट जो हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ है, जिला ब्लॉक और आपकी ग्राम पंचायत, इन तीनों को राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू जोड़ा गया है। ये लो बैंडविड्थ सॉफ्टवेयर आधारित इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी मिलती है, ताकि क्या हो कि भाई इनको अच्छा खासा इंटरनेट के लिए राजनेट नाम की एक प्रोग्राम राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वाईफाई सुविधा जैसे इन्हीं को जो है वाईफाई सुविधा जैसे ग्राम पंचायतों में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपका क्या करेगा कि मुख्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का काम करेगा। ये जो आपका वाईफाई सुविधा प्रदान की जाएगी इसमें क्या होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो होगा ही होगा, इसके अलावा अन्य भी सुविधा जो ग्राम पंचायतों को प्रदान करनी होगी वो की जाएगी। इतनी ग्राम पंचायतों को इन्होंने कहा कि अब देखो दिक्कत क्या आती है पता है कि इतनी ग्राम पंचायतों को जो है इन्होंने कहा कि हमने राजीव गांधी, आपने देखा होगा कि अपने गाँव में पहले जो इंटरनेट वो वाईफाई वाला नहीं आया था तो आपने देखा होगा कि ऐसे वो लंबे लंबे टावर लगे ग्राम पंचायत में और इंटरनेट की फैसिलिटी दी जा रही थी, अब उसको तो बंद कर दिया गया है, अब तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू उनको जोड़ा जा रहा है, वाईफाई सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी के अलावा भौगोलिक सूचना तंत्र जो है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इसमें क्या है कि इसमें आपकी जैसे ज्योग्राफिकल जैसे राजस्थान के अलग जो जिले हैं उसमें कहाँ पर खनिज है, कहाँ पर ट्रैफिक सिस्टम कैसा है ना, वो जो है क्राइम वगैरह जो किया जाता है, तो उसमें एक ज्योग्राफिकल वे में आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए इन्होंने एक तरीके से भौगोलिक सूचना तंत्र को शुरू किया है, जिसमें जीपीएस का सपोर्ट किया जाता है और 3D सिटी प्लेटफॉर्म डेटा भी प्रदान किया जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ई मित्र तो हमने बात की, ई मित्र जो है लगभग कहा कि इन्होंने 70,000 के आसपास हमारे राजस्थान में जो है ई मित्र है जो 500 से अधिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। फिर ई मित्र प्लस हमने बात की थी, ई मित्र प्लस क्या है, ये ऑटोमेटिक है, ये एटीएम है, एटीएम जैसा ई मित्र है जिसमें कोई व्यक्ति वहां नहीं होगा, वहां पर अपना मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह जो दस्तावेज वगैरह करवा सकते हैं, आप पेमेंट भी जो है नेट बैंकिंग वगैरह से भी आप कर सकते हैं, तो ये ई मित्र प्लस में। लेकिन ई मित्र प्लस जो है अभी आप अखबार में देखोगे तो ये लिखा हुआ है कि ई मित्र प्लस जो है वो ज्यादा उनका रिजल्ट नहीं आया है, ई मित्र का तो अच्छा रिजल्ट आया, ई मित्र प्लस का नहीं है क्योंकि लोग जा रहे हैं लेकिन फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है वगैरह आ रही है, तो वो ठीक से काम नहीं कर रहे। राज पेमेंट क्या है, राज पेमेंट जैसे यूपीआई वगैरह है, तो एक इसी प्रकार का राज पेमेंट जो है वहां पर जाकर आप जैसे आपने जब आईएएस का या आरएस का पटवारी का पुलिस का वगैरह फॉर्म भरते हैं तो जो पेमेंट करते हो तो वो राज पेमेंट, एक यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो यूपीआई के थ्रू, इसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ध्यान में। राजस्थान ई साइन आपके इलेक्ट्रॉनिक वे में साइन जो है वो आप यहाँ पर आपके दस्तावेज वगैरह साइन को रख सकते हैं और इनका उपयोग जो है आप यूज कर सकते हैं बैंकिंग फैसिलिटी में वगैरह में। एक बार आपके डिजिटल सिग्नेचर आपके हो गए तो फिर उसके बाद में आपको बार बार डिजिटल सिग्नेचर बनाने की जरूरत नहीं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे। इसी तरीके से एक स्टेट पोर्टल बनाया गया, यह पोर्टल नागरिकों, राजकीय उपयोगकर्ता, व्यवसाय, विदेशी नागरिकों के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी का एकल स्रोत है जिसमें सभी विभागों के पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है। एक नहीं होता कि जैसे एक स्टेट पोर्टल खुल गया, स्टेट पोर्टल के नीचे आता है टूरिज्म डिपार्टमेंट, फिर इसके नीचे आप टूरिज्म डिपार्टमेंट पर जाना चाहते हो तो टूरिज्म डिपार्टमेंट पर क्लिक कीजिए, फिर नीचे आता है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इस पर जाना चाहते हो तो इस पर क्लिक कीजिए, या इसके नीचे आता है राजस्थान जैसे मिनरल माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट, तो ये स्टेट पोर्टल है। जैसे आपको राजस्थान के कितने विभाग है, उनकी वेबसाइट कौन कौन सी है, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है
और आप हर एक वेबसाइट पर जाकर आप चाहते हैं कि मैं वहां का डेटा मैं यूज करूं, तो आप क्या कीजिए, ऐसा लिखिए गूगल में जाकर राजस्थान स्टेट पोर्टल, है ना, राजस्थान स्टेट पोर्टल। जैसे आप राजस्थान स्टेट पोर्टल लिखोगे तो गूगल में राजस्थान स्टेट पोर्टल की वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो उसके नीचे सारे डिपार्टमेंट होंगे इस तरीके से, और एक एक डिपार्टमेंट पर जाकर आप जो है अपनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए ई संचार और आईफैक्ट है, ये ई संचार और आईफैक्ट जो है इसका क्या हो? इसका मतलब ये क्या है, ई संचार तो वही है कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक वे में डिजिटल गवर्नेंस देना चाहते हैं, तो जो आपका आवेदक है, जो आपका लाभार्थी है, उसको जो भी डिपार्टमेंट से सूचना या डिपार्टमेंट से जो आदेश वगैरह जारी किए जाते हैं वो उससे पूछे, वो तो उस तक पहुंचे, जैसे कोई कर्मचारी वगैरह है तो सही संचार के थ्रू आपने वो जो है उसकी मेल आईडी वगैरह से आपने जानकारी, आपने जो है एसएमएस वगैरह वॉइस मैसेज से वगैरह से उस आपने जानकारी दी। आईफैक्ट क्या है, आईफैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं पूछा, आईफैक्ट क्या है कि वास्तविकता जांच की जाती है कि भाई रियल टाइम जो है चेकिंग की जाती है कि कोई जैसे अभी आपने सुना होगा तो राजस्थान सरकार एक काम कर रही है कि राजस्थान सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा कि जितने भी डिपार्टमेंट है उसकी फाइल चेकिंग की जाएगी कि भाई कोई फाइल जो है वो कहां तक पहुंची है ना। जैसे अभी आप देखो तो जयपुर में ये प्रोग्राम शुरू हुआ है कि सचिवालय स्तर पर की फाइल ट्रैकिंग की जाएगी, ऑनलाइन फाइल कि भाई ये फाइल जो है वो कहां तक पहुंची है, ताकि पता तो रहे, नहीं तो फाइल पे फाइल वो डेट पे डेट जैसे फाइल पे फाइल इकट्ठी की होती जाती है। इसी तरीके से मान लीजिए आपने कोई शिकायत की, कोई सेवा, तो उस व्यक्ति तक कब पहुंची है, कौन से डेट को पहुंची है, तो रियल टाइम चेकिंग जो है वो आईफैक्ट नाम के एक पोर्टल से किया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आप देखो तो स्टेट मास्टर सेंट्रलाइज्ड डेटा हब, जैसे आपने बिग डेटा का नाम सुना होगा कि राजस्थान सरकार हम इतने सारे फॉर्म भरते हैं, जैसे हम आरएस का फॉर्म भरते हैं, जैसे हम पुलिस का, एसआई का, हम हमारे इतने सारे आधार कार्ड, हमारे इतने सारे राशन कार्ड, हम इतना जेरोक्स करवाते हैं, इतना ऑनलाइन स्कैन करके जो डेटा जाता है राजस्थान सरकार के पास में, तो वो डेटा राजस्थान सरकार को भी सिक्योर रखना बहुत जरूरी है, उसका जो है मिसयूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक राइट टू प्राइवेसी वाला एक इश्यू खड़ा हो जाता है, आर्टिकल 21 जो पुत्तु स्वामी वाला केस था। तो डेटा प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, डेटा प्रोटेक्शन करने के लिए आपको ये जो इतना सारा डेटा आ रहा है हर दिन जो है डेटा आ रहा है उस डेटा को आपको सिक्योर करना, तो उसको कहते हैं बिग डेटा। क्या कहते हैं? बिग डेटा। तो इसके लिए इन्होंने आप देखो तो स्टेट मास्टर सेंट्रलाइज्ड डेटा हब बनाया गया है, जहां पर डेटा को बहुत अच्छे तरीके से संरक्षित किया जा रहा है ताकि इसका मिसयूज ना हो। ये मास्टर डेटा है, क्लाउड है, जब भी किसी डिपार्टमेंट को जरूरत होती है तो वहां से उसको यूज भी कर सकता है, जैसे वो सास पास वगैरह जो सिस्टम होता है ना इस तरीके से, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टेट डेटा सेंटर की हमने बात की, हिंदी ईमेल की तो हमने बात ही की है, domain@rajasthan.bharat, है ना, राजस्थान पहला जो है राज्य बना था जिसने मातृभाषा में हिंदी ईमेल सुविधा प्रदान की थी। डेटा एनालिटिक्स भी, ये जो है आपके जो टैक्स वगैरह हम पे करते हैं, राजस्व को बढ़ाना है तो उसमें वाणिज्यिक जो आपके कॉमर्शियल टैक्स वगैरह होते हैं, आबकारी वगैरह, ये सारे जो है उन पर ये लागू किया गया है कि वो सारे जो टैक्स पे करने वाले हैं उनकी सारी डेटा जो है वो जैसे उनको इनके साथ शेयर करें, ताकि पता रहे कि कौन कितना टैक्स से कर रहा है, कौन कितना टैक्स जो है वो नहीं पे कर रहा है। तो एक तरीके से दैनिक रिपोर्ट इसमें प्रदान की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में। फिर सिंगल साइन ऑन, तो ये हमको पता ही, एसएसओ आईडी होती है, एक ही एसएसओ आईडी से आप सारे काम कर सकते हैं। राजकाज क्या है? राजकाज जो है ये अब काम से जुड़ा हुआ है, इसमें जो हमारे सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका अवकाश का नकदीकरण, वार्षिक रिपोर्ट, उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट, उनका जो एनओसी वगैरह होती है, उनका पासपोर्ट, उच्च शिक्षा वगैरह, उनकी फाइल ट्रैकिंग जो है वो यहाँ पर की जाती है राजकाज। ये लोगों के लिए नहीं है, राजकाज जो है वो राजस्थान के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए है। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा डिपार्टमेंट है जो सेटअप है उसके लिए है। ठीक है, डीओपी इसमें काम कर रहा है राजस्थान का। राजकाज नॉट फॉर पब्लिक, राजकाज किसके लिए है? तो सरकारी कर्मचारियों के लिए, उनसे संबंधित जानकारी, उन सेवा में क्या है क्या नहीं है, पद स्थापन वगैरह, ट्रांसफर से लेकर वो सारी जानकारी इनको मिलेगी, तो ये सारी बातें। फिर आप देखो तो पुलिस डिपार्टमेंट में एक बहुत अच्छा काम किया जा रहा है कि आजकल देखिए कि जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं तो वो क्राइम ऐसे है कि वो एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस पर भी क्राइम किए जाते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है ना। आपने हर दिन न्यूज़पेपर में देखते हैं कि हजारों लोगों को जो है पैसों से अकाउंट से पैसे निकाल दिए जाते हैं, फिर उसको हम ट्रैक भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। दूसरा, जो हमारा एक ट्रेडिशनल जो क्राइम होते हैं जैसे घर में चोरी होगी वगैरह होगी, तो उस ऐसे अपराधियों को पकड़ने में भी आप देखिए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो आगे आया है।
आप देखिए सीसीटीवी जो फुटेज है काफी मदद करता है ट्रैकिंग करने में कि कोई अपराधी कहाँ गया है। उन मोबाइल फोन जो यूज कर रहे हैं उसके आधार पर उनकी लोकेशन पता लगा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं हम क्राइम को कम कर सकते हैं, हम कन्विक्शन रेट को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, चार्जशीट हम बहुत जल्दी जो है कोर्ट में हम दे सकते हैं। उसके लिए अबे कमांड सेंटर, ये क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर हम किस तरीके से क्राइम कम कर सकते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ई गवर्नेंस का पार्ट है। अबे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जिसको हम अबे सेंटर कहते हैं, इसमें क्या है कि GPS CCTV इनका उपयोग कर, सीसीटीवी कैमराज का उपयोग कर राजस्थान के जो 7 संभागीय मुख्यालयों पर जो है और 26 जिलों में, 7 जो संभाग है हमारे और 26 जो जिले हैं उसमें हमने जो है अबे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए हैं, जहां पर वीडियो से निगरानी तंत्र की जा रही है, वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम है, डायल 100 डायल कर आप कंट्रोल सिस्टम ला सकते हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन सिस्टम भी है यहाँ पर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी, इससे जो है व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम जो है कोई कार क्राइम कर किधर किधर जा रही है वो सारा देख सकते हैं, और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो भी इससे जो है ये अच्छा है, इसका उपयोग भी आप ई गवर्नेंस में कर सकते हैं। आपके सिलेबस में ई गवर्नेंस लिखा है ना, तो ई गवर्नेंस में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अभी 26 जिलों में और 7 संभागों में इसको स्थापित कर दिया गया है। कोविड के समय में भी राजस्थान सरकार ने कहा कि देखिए कोविड के समय में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे काम आई, बिल्कुल आई थी। कोविड के समय इलेक्ट्रॉनिक पास लेने हो तो इसलिए कह रहे आने, देखो एक सरकार क्या करती है, एक गवर्नमेंट इज अ सर्विस प्रोवाइडर, सरकार क्या करती है सेवा जो है सर्विस प्रोवाइड करती है ना। अब वो सर्विस जो प्रोवाइड करती है वो टाइमली मैनर पर उनको मिले, जैसे एजुकेशन इज अ सर्विस, अब सर्विस गवर्नमेंट स्कूल में हमें शिक्षा की एक सेवा मिलती है, अब वो शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, अगर अच्छी नहीं हुई तो प्राइवेट सेक्टर आपसे आगे निकलेगा, तो आपको वहां पर काम करना होगा रेगुलेशन के स्तर पर। तो सरकार पहले मैन्युफैक्चर भी चीजों का करती थी लेकिन वो वहां से हट गई है, अब केवल सर्विस हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन हेल्थ सर्विस तभी अच्छी की जाएगी जब आप रेगुलेशन अच्छा करो, अच्छे हॉस्पिटल्स हो, टाइमली मैनर पर जो है डॉक्टर्स की नियुक्ति हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनको अच्छी फैसिलिटी मिले, वो टाइम से आए, उनकी ट्रैकिंग हो, आप जो ड्रग्स वगैरह जो आपका मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो आप 2011 में लेकर आए दो अक्टूबर उसका उसमें जेनेरिक ड्रग्स जो है वो मिले, डॉक्टर उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखे, वो बहुत जरूरी है, रेगुलेशन करना बहुत जरूरी है ना। तो इन्होंने कहा कि देखिए कोविड के समय में भी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे काम आई थी। इन्होंने कहा कि हमने covidinfo.rajasthan.gov नाम की एक वेबसाइट लाई और राजस्थान की सभी जो कोविड से संबंधित जो आदेश थे, जो निर्देश थे, जो विज्ञप्तियां जारी की थी वो यहाँ पर उपलब्ध थी, ये भी इन्होंने कहा। कोविड के समय इन्होंने ई औषधि COVID-19 नामक जो है एक पोर्टल था जहां पर 57 प्रकार की महत्वपूर्ण जो औषधियां थी जो कोविड के समय देनी बहुत जरूरी थी, ठीक है। तो ई औषधि इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हो, तो वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही थी कि भाई कौन से जिलों में वहां पर रेमडेसिविर जो है दवा की जरूरत थी तो वो मिली कि नहीं मिली है, कहां पर है, पार्सल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो बहुत जरूरी था। राज कोविड इन्फो ऐप नाम की एक वेबसाइट लाई थी जिसमें राज कोविड इन्फो ऐप के नाम से जो है हमें इस ऐप में क्या मिलता था, कितने राजस्थान में लोग संक्रमित है, कितने जो है ठीक हो चुके हैं, कहाँ पर वाइड स्प्रेड आ रहा है, फैला हुआ है, कहाँ पर जो है माइक्रो कोविड जोन वगैरह बने हुए, ये सारी जानकारी मिल रही थी। फिर मोबिलिटी पास जो है वो आप देखो, मोबिलिटी पास तो हमने देखा था कि भाई एक जिले से दूसरे जिले में जाना था तो यही था, पुलिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए, जो है दूसरी वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आप फिल कीजिए फॉर्म, आपका अप्रूवल हो जाता है तो आपको ई पास मिल जाता था, आप जिले से दूसरे जिले चले जाते थे। तो ये सारा जो काम है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है और इसमें मेंस में आपके सवाल पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स में भी पूछे जाएंगे। अब एक लास्ट काम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है वो है राजस्थान जन आधार योजना, जैसे आधार योजना है इसी तरीके से आप देखिए, तो ये है राजस्थान जन आधार योजना। मैं आपके कमेंट बाद में देखूंगा, आप भी कमेंट बॉक्स को बंद कर लीजिए और आप सुनिए केवल यहां पर, ठीक है, आप सुनिए, बाकी सवाल तो मैं आपके लास्ट में ले लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका माइंड डिस्ट्रक्शन ना हो, जो भी आप 1% भी अगर आप ध्यान लगा पाए तो इस बोर्ड पर लगा पाए, आप सुने, क्योंकि आपको यूज करना है, नंबर लाने हैं अच्छे से अच्छे, तो मैं नहीं चाहता, आप चैट बॉक्स को बंद कर दीजिए, लास्ट में अपन चैट बॉक्स रखेंगे कमेंट बॉक्स, अभी आप केवल ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए राजस्थान जन आधार योजना जो है वो राजस्थान सरकार ने 2019-20 में बजट में इसको पेश किया था और राजस्थान सरकार ने इसको इस योजना को लॉन्च किया था वो 18 दिसंबर 2019 से।
18 दिसंबर 2019 से एक तरीके का कार्ड है, राजस्थान जन आधार कार्ड, आधार कार्ड जैसा ये कार्ड है, ठीक है। इसमें इन्होंने लिखा कि भाई इस ये कार्ड जो है वो टोटल 10 नंबर का होगा और 10 नंबर का कार्ड होगा, लेकिन जैसे ये एक कार्ड बनेगा इस पर 10 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन जैसे आपका परिवार का एक सदस्य जुड़ गया तो फिर वो एक हो गया 11, परिवार के साथ में वो 11 हो जाएंगे, ठीक है ना। परिवार के साथ में जैसे इस जैसे मान लीजिए मैं आपको लिखूं तो यहां पर ये लिखा जैसे 10 नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 0 लिख लिया, ठीक है, ये 10 नंबर का हो गया, 10 नंबर का हो गया। अब आपका परिवार आ जाएगा तो यहां पर ये 11 अंक का हो जाएगा, 9 की जगह यहां 10 हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर ये 10 हो जाएगा, तो ये 11 अंक हो गए। एक परिवार का सदस्य जुड़ते ही 11 अंक, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आप राजस्थान की जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो एक तो वो आपको जो है इसके लिए जरूरी है। अभी देखो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कोविड के कारण जो है वो ई मित्र से राजस्थान जन आधार योजना के लिए लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, और अप्लाई नहीं कर पा रहे थे तो बहुत सारी जो आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना चाहते हैं उसमें जैसे आपकी आपकी जो है जैसे मान लीजिए कि छात्रवृत्ति का पैसा है ना वगैरह, वो जो है उनके अकाउंट में नहीं आ रहा था, तो ये बनाना बहुत जरूरी है। सरकार ने कहा कि देखिए एक तो इससे क्या हो रहा है, एक तो हम राजस्थान के लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं, वित्तीय समावेशीकरण कर रहे हैं, है ना, कि आप वित्तीय सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में, इंस्टीट्यूशन में आप उसको इनको ऐड कर रहे हैं। दूसरा, जो आप सर्विस देना वाले हो वो पैसा जो है वो उनके डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाए, तो वो भी जो है इसके तहत जो है इन्होंने कहा कि हम जो है काम कर रहे हैं इसको, इसमें इन्होंने कहा कि जन आधार कार्ड में हम मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह वगैरह इन सब की भी जो जानकारी, इसमें एक ही कार्ड में जो है सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 अंकों का परिवार कार्ड होगा, व्यक्तिगत स्तर पर 11 होंगे। इन्होंने कहा कि हमने इतने कर दिए हैं, ये सारी बात इन्होंने यहाँ पर रखी है। इससे सोशल ऑडिटिंग करने में भी हमें सहायता मिल रही है, ये भी इन्होंने बताया। जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से 15 जुलाई 2020 को जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिन भी लोगों के अकाउंट में किया गया वो भी हमें जानकारी मिल जाती है कि भाई एक ही पोर्टल में दिखा कि कितने लोगों के अकाउंट में पैसा गया, तो जन आधार पोर्टल पर जाइए वो सारी जानकारी वहां मिल जाएगी। अच्छा, वेबसाइट पर आप जाओगे तो ऐसा भी मिलेगा कि राजस्थान सरकार ने डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, ऐसा मिलता है ना वो पोर्टल पर, वो इससे ही सारी जानकारी यहां पर दिखाई देती है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जन आधार पोर्टल के लिए हमने क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जो है जिला कलेक्टर की निगरानी में जिला कलेक्टर को जन आधार जन योजना अधिकारी बनाया, ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी जो है आपके हम कहेंगे ब्लॉक स्तर SDM जो है उनको नोडल एक ऑफिसर बनाया गया। इसी तरीके से जो है ग्राम पंचायत स्तर पर भी जो है इसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो है काम दिया गया है और इसको इम्प्लीमेंट किया भी जा रहा है, तो एक इसको जो है सर्वे में अच्छा खासा दे रखा है, इसको आप पढ़ के जाना, यही जो है पूरा दे रखा है। तो ये हमने बात की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। कल आप मेंस देने के लिए जाओ और आपसे एक सवाल ऐसा भी पूछ लिया जाए मेंस में कि सेवा सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में या सेवा क्षेत्र में, राजस्थान के सेवा क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, राजस्थान के सर्विस सेक्टर में कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, तो आपको शुरू कहां से करना है, आपको शुरू जो है वही शुरू सारे तो नहीं लिख पाओगे ऑब्वियसली जो है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा मर्ज करके जो है आपको लिखना है ताकि आपको कोई यहां पर प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमने बात की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, बात की हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात बाद में करेंगे। तो यहां तक ये सारी चीजें आपके सिलेबस में है, सारी चीजें आपके आने वाली है, आप इसको ध्यान से रखिएगा, कुछ भी उठा के वो पूछ लेंगे। जैसे राजस्थान लास्ट टाइम आई स्टार्ट पूछा है, इस बार कुछ और पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, यहां से ध्यान में रखना है। जन सूचना पोर्टल भी पूछा जा सकता है, ये डीजी फेस्ट को थोड़ा ध्यान में रख के जाओगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। यहां तक हमने बात की, इसकी हमने बात की, ये आपको ध्यान में रखना है, सर्विस सेक्टर ही है। अब दूसरा बात करते हैं, छोटे छोटे से हैं, ठीक है, छोटे छोटे से, इन दोनों को भी कवर कर लेते हैं। सेवा क्षेत्र का एक घटक जो है वो आपने नाम सुना होगा, सेवा क्षेत्र का एक जो घटक है उस घटक को यहां पर प्रीलिम्स में सवाल बनेंगे बहुत सारे, पुरातत्व और संग्रहालय, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, ठीक है, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, ये क्या है, देखो ये सर्विस सेक्टर में कैसे शामिल है। जैसे जयपुर में अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल में हम जाते हैं, एक तो हमें राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की जानकारी मिलती है वहां से, जब भी हम जो हमारी पुरातात्विक वस्तुएं हैं उनको जब हम देखते हैं, सॉरी उनको हम जब देखते हैं। दूसरा, आप टिकट के रूप में पैसा लेते हो, भाई टिकट खरीदते हो तो राजस्थान सरकार को एक इनकम भी होती है,
सर्विस में उस टिकट पर सर्विस टैक्स लगेगा। तीसरा, राजस्थान के टूरिज्म को भी बढ़ावा देते हैं, भाई देश विदेश टूरिज्म बढ़ रहा है तो वो भी सर्विस सेक्टर के थ्रू आगे बढ़ेगा। तो राजस्थान में जितने ज्यादा टूरिज्म के हॉटस्पॉट बनेंगे उतना राजस्थान का सर्विस सेक्टर बूस्ट भी होगा, उसमें आपका पुरातत्व और संग्रहालय दोनों काम करेगा। इसमें इन्होंने कहा कि यहाँ पर बोल बच्चन सी बातें हैं, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, यहाँ पर कुछ मंदिरों के नाम है और कहाँ कहाँ स्थित है वो लिखे गए, वो सुमेलित करने के लिए दिए जा सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि पुरातत्व और संग्रहालय जो हमारा विभाग है, जो आर्कियोलॉजिकल और म्यूजियम डिपार्टमेंट है, ये राजस्थान के कुछ बड़े बड़े जो म्यूजियम है, जो आर्कियोलॉजिकल हमारी साइट्स है, उनका वो संरक्षण कर रहा है। तो उसमें इन्होंने कुछ नाम लिखे है, जैसे नाम लिखे है जैसे किराड़ू के मंदिर है ना, जिसको हम राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, किराड़ू के मंदिर, वो बाड़मेर वाला हर्ष देवल और शिव मंदिर बिलाड़ा। ये दोनों मंदिर कहां पर है? हर्ष माता का मंदिर नहीं, हर्ष देवल शिव मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। ये यहां पर आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको केवल जिलों के नाम और कहां कहां है ये ध्यान में रखना, ठीक है? यहां से सूर्य मंदिर बूढ़ातीत कोटा, एक सूर्य मंदिर झालरापाटन में, एक सूर्य मंदिर बूढ़ातीत कोटा, सेठानी का जोहड़ा है ना गुरु चूरू में, सेठानी का जोहड़ा, देखो नहीं ये जो है एक वो है बाबा जोहड़ गुरुद्वारा, वो तो शायद श्रीगंगानगर में ये है सेठानी का जोहड़ा, कहां पर है? चूरू में। मीनार युक्त कूप बूटिया चूरू में। अब ये देखो ये पूछ लिया आपसे आरएस प्रीलिम्स में अगला कि राजस्थान में स्थित एक पुरातात्विक स्थल मीनार युक्त, कैसे ही लिखता है, मीनार युक्त कूप बूटिया, ठीक है, मीनार युक्त कूप बूटिया कहां पर स्थित है? अब ये किताबों में नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लो सारी किताबों में नहीं मिलेगा, यहां पर ऑथेंटिक साइट से ये जो है ये आपको यहां से चीजें मिलेगी, तो ये आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप ध्यान में रखिएगा ये कहां पर है। चूरू में जल महल कुंभेर भरतपुर में है, किशोरी महल भरतपुर में, हमने ये भी डिस्कस किया था, तो ये नाम याद रखने, और भी नाम है यहाँ पर जैसे भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में, हमने डिस्कस भी किया था राजस्थान बोर्ड की किताब में, भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में है। छनेरी पनेरी देवालय, अब ये नाम आ गया कि छनेरी पनेरी मंदिर कहां पर है राजस्थान में, है ना, छनेरी पनेरी जो देवालय है, देवालय यानी मंदिर कहां पर स्थित है? झालावाड़ में। तो ये कई, जैसे लास्ट टाइम क्या था कि कई ऐसी इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स थे जिनका उल्लेख बजट में था और उन्होंने क्या कर दिया, और नाम ऐसे थे जो किताबों में नहीं मिलते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया कि वो जो जल विद्युत की परियोजनाएं थी जो बजट में जिनका उल्लेख है, जो प्रस्तावित की गई थी कि भाई इस साल राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने बजट में सिरोही में इस परियोजना को, जो इस परियोजना के लिए इतना फंड किया जाएगा, झालावाड़ में इस परियोजना के लिए इतना फंड किया जाएगा, तो आप जो फंड पैसों में दिया जाता है ना करोड़ में, वो करोड़ में याद मत रखो, आप तो केवल ये ध्यान में रखिए कि भाई बजट में इस प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है, जैसे मौरा सागर परियोजना, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मौरा सागर परियोजना वो बजट में लिखा होगा सवाई माधोपुर, तो आपको इतना जरूर ध्यान में रहना चाहिए कि मौरा सागर परियोजना सवाई माधोपुर में है जिसमें बजट में इस साल इसका उल्लेख किया गया है, या इकोनॉमिक सर्वे में इसका उल्लेख किया गया। अब इसके लिए इन्होंने कहा कि हम 700 करोड़ रुपए रखेंगे, तो ये 700 करोड़ रुपए आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको इतना जरूर, जैसे ये छनेरी पनेरी देवालय झालावाड़ में है, रामगढ़ किला बारा में है, मंदिर आवा के मंदिर है कोटा में, फतेहगढ़ किला अजमेर में है, फलोदी फोर्ट जोधपुर में है, शाहबाद किला बारा में है, शेरगढ़ किला अटरू बारा में है, शेरगढ़ के अलग अलग नाम मिलते हैं, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। डीग किला भरतपुर में है, सज्जनगढ़ किला उदयपुर में है, तालाब शाही धौलपुर में है, हमारे शिव मंदिर ओशिया जोधपुर में है, राव बीकाजी की टेकरी बीकानेर में है, बीकानेर शहर के प्राचीन दरवाजे सुख महल बूंदी में है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, चौपड़ा महादेव के मंदिर है जोधपुर में, और धूलकोट जो है उदयपुर में है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ स्थान है जो छनेरी पनेरी हो गया, भवानी नाट्यशाला हो गया, जो थोड़ा तालाब शाही धौलपुर का हो गया, है ना, ये जो है मीनार युक्त कूप बूटिया जो है, सेठानी का जोड़ा है, ये कुछ नाम जो अनकन्वेंशनल मिले, आपको ये ध्यान में रखना है। अब इसमें और कुछ नहीं है, ये आपसे ना तो इसमें मेंस में सवाल नहीं बन सकता है कि भाई सर्विस सेक्टर में पुरातत्व के कौन कौन से क्या है, इसका कोई उल्लेख यहाँ पर इसको याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। और भी आपको नाम यहाँ मिलेंगे, जैसे सांबर जयपुर में, धुंधेर स्वर धाम गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में है, तीमनगढ़ किला करौली में है, 32 खंभों की छतरी जो है वो मांडल भिलवाड़ा में है, प्राचीन सरोवर मोहन सागर मुहाना जयपुर में है, श्री जगदीश धाम जो है वो केमरी करौली में है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में है, रंगमा तालाब, ये देखो अब ऐसा नाम आ गया, रंगमा तालाब जो है वो कहां पर है,
ऐसे ही हिंदी इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, रंगमा तालाब, तालाब को भी तालाब ही लिखा हुआ है, ठीक है, करौली। अब ये सवाल बन गया तो थोड़ी प्रॉब्लम आपके सामने हो सकती है। मैं आपको हर एक सवाल से जैसे ट्रेंड रहा है उससे तैयार करना चाहता हूं, आपको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। शिखर महल करौली में, श्री बाबूजी मंदिर कोलू जोधपुर में है, लक्ष्मी रानी महल भरतपुर में, ये अलग नाम है लक्ष्मी रानी, ठीक है ना, लक्ष्मी रानी महल, लक्ष्मण किशोरी महल ये भरतपुर में, विमल कुंड कामा भरतपुर में, मंच कुंड जो है वो धौलपुर में है, ये तो हमने डिस्कस किया भी था। इसके अलावा आप देखोगे तो गनमोरा नादोती, अभी आ गया कि राजस्थान में एक प्राचीन स्थल जो है गनमोरा नादोती। अब जो आपने नहीं सुने किताबों में उनको ही लिखना, जो आपने किताबों में नहीं मिलते हैं ना उनको ही लिखना, जैसे गनमोरा नादोती। अब आपको एक दिन में याद नहीं रहेगा, दो तीन चार बार जो अपने दोस्तों से जब आप डिस्कस करोगे कि भाई करौली में, करौली में, करौली में, आपका काम हो गया। कल ये आएगा, आप पढ़ के नहीं गए, मान लीजिए कल ये आया और हमने कहा कि अरे पेपर बॉटअप था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, कहां से आ गया, क्या है, तो तैयार रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गनमेरा नादोती जो है करौली मालकोट दुर्ग मेड़ता में है, चंद्रशेल मठ, ये चंद्रशेल मठ कहां पर है राजस्थान में, चंद्रशेल मठ कहां पर है, कोटा में है, ये ध्यान में रखिएगा। तालाब की पाल पर ऐसे जैसे मांडलगढ़ में सुनहरी कोटी टोंक वाली है, घाट के बालाजी जयपुर में, बंदे के बालाजी जयपुर में है, और विराट नगर जो है ये भी जयपुर में है। तो ये आपको कुछ नाम ध्यान में रखने हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और कहा है, ये एक चीज आपसे पूछी जा सकती है, ये राजस्थान का जो आर्कियोलॉजिकल और म्यूजियम डिपार्टमेंट है, जो राजस्थान का पुरातत्व, ये याद और रखे जाना, पुरातत्व और संग्रहालय जो विभाग है, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग जो है, इनकी एक पत्रिका आती है, एक रिसर्च की एक पत्रिका आती है जिसको कहते हैं, जिसको ये नाम लिखा है पूरा संपदा, ठीक है, ये लिखा हुआ है पूरा संपदा। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा एक विभाग जो है पूरा संपदा नाम की एक जर्नल, एक पत्रिका जो है उसको पब्लिश करता है या किया है, तो उसका नाम क्या है, जो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम डिपार्टमेंट है वो इसको लेकर आता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हमने बात की आपकी आर्कियोलॉजी और म्यूजियम की, ये भी सर्विस सेक्टर में आता है, क्यों आता है इसको हमेशा याद रखिए, वो टिकट वाला सेंटर कि भाई जाओगे देखने के लिए किला विला तो टिकट लिया जाएगा और पैसे मिलेंगे, टिकट देखने का है, सर्विस दी जा रही है। इसी तरीके से देवस्थान विभाग भी है, आप देवस्थान जब आप RS का डैप भरोगे, जब आप मेंस के टाइम में, तो वहां पर आएगा कि देवस्थान एक सेवा होती है ना, आप देवस्थान एक सेवा होती है। देवस्थान सेवा क्या है, जैसे राजस्थान के जो मंदिर वगैरह है, गुरुद्वारे हैं, जो मस्जिद वगैरह है ना, उन सब की देख रेख करना या उनके कल्याण के लिए कुछ काम करना, वहां पर मेलों का आयोजन भी किया जाता है देवस्थान विभाग द्वारा। तो ये सारे जो है इसमें 40 मेलों का तो आयोजन या सर्वे में तो नहीं है, मैंने अलग जगह पढ़ाया है, सर्वे में नहीं है तो नहीं पढ़ना है। इस देवस्थान विभाग के तहत कुछ योजनाएं चल रही है, भले वो केंद्र की ऐसी योजना हो, जैसे यात्रियों को जो है निःशुल्क चार धाम की यात्रा करवानी है, देवस्थान विभाग से जुड़ी हुई योजना है, जैसे एक योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना और सिंधु दर्शन योजना, ये राजस्थान सरकार की है, ठीक है, वरिष्ठ सीनियर सिटीजन तीर्थ यात्रा योजना एंड सिंधु दर्शन योजना जो है, ये राजस्थान के जो वरिष्ठ नागरिक है उनको रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, शिरडी, द्वारकापुरी, तिरुपति, कामाख्या, उज्जैन, वाराणसी, अमृतसर, स्वर्ण बेलगोला, समेत शिखर, बिहार शरीफ, गोवा, हरिद्वार, कोची, लखनऊ आदि की मुफ्त यात्रा करवाई जा रही है। इतने लोगों को यात्रा में इतना पैसा हमने खर्च किया, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें पूछने लायक तो कुछ ऐसा है नहीं। दूसरा है कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना, इस योजना के तहत राज्य की जो तीर्थ यात्री है उनको कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवाई जाती है और प्रत्येक तीर्थ यात्री के लिए 1,00,000 रुपए की फंडिंग की जाती है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। इन्होंने कहा कि कोविड के समय हालांकि हमने इस योजना को रोक दिया गया था, ऑब्वियसली जो ट्रांसपोर्टेशन का जो पूरा प्रोसेस था वो रुक गया था, तो कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्री योजना राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। और मैं सर्वे में जो लिखा हुआ इतना ही बता रहा हूं, अभी मैं योजनाओं की अलग एक पूरी क्लास लेने वाला हूं, ठीक है, जिसमें योजनाओं को एक एक कर खोल के पढ़ेंगे। तो 1,00,000 रुपए सर्वे में जो लिखा है, सीधे सीधे सवाल यहाँ से आ रहे हैं, तो 1,00,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा, अभी ये जो नई योजना थी वो ये थी, मोक्ष कलश योजना, अभी ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये योजना जो है ये अभी कोविड के समय शुरू हुई थी, आपने देखा होगा कि कोविड के समय जिन भी लोगों की डेथ हुई थी तो हरिद्वार जाने का एक चलन है हिंदू धर्म में कि उनकी अस्थियों का विसर्जन वहां किया जाएगा, लेकिन नहीं कर पा रहे थे किसी कारणवश, क्या है वो जो प्रॉब्लम थी वगैरह, तो उसमें इन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कोविड-19 महामारी के अंतर्गत जो हमारे टूरिज्म की जो प्रॉब्लम आ रही थी
उसको नहीं होने के कारण जो गरीब लोग थे भाई, अमीर लोग तो जो है वो कार भी अपनी करके चले गए, जो लोग गरीब थे वो अपने पूर्वजों की जो अस्थियां उनका विसर्जन नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए इन्होंने क्या कर दिया कि विसर्जन हेतु एक अस्थि कलश के साथ परिवार के दो सदस्यों को जो है राजस्थान का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है और राजस्थान का जो देवस्थान विभाग है, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। देवस्थान विभाग जो है वो क्या करता था कि कौन जाएंगे उन लाभार्थियों को चयनित करता था, और जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो हमारी रोडवेज बस में बिठाकर एक परिवार के दो लोगों को बिठाकर निशुल्क हरिद्वार की यात्रा करवाई जाती थी, उनको वापस उनके गंतव्य पर पहुंचाया जाता था। और इस तरीके से इस योजना को लॉन्च किया गया, ये भी देवस्थान से जुड़ी हुई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सर्विस सेक्टर में आज हमने यहाँ तक डिस्कस किया, अभी मैं आपके सवाल ले लूंगा। हमने पहले शुरू किया था, हमने संचार और ये प्रौद्योगिकी ये हमने कवर किया सर्विस सेक्टर में, इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल लास्ट टाइम भी बना था आई स्टार्ट का, प्रीलिम्स में दोनों में पूछे जा सकते हैं। सर्वे अपने पास में रखना प्रिंट आउट करवा के, और जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लेना उसमें से, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की चीज है। इसके अलावा हमने देखा पुरातत्व और देवस्थान विभाग वाला जो है वो हमने बात की। राजस्थान जन आधार योजना लास्ट टाइम नहीं पूछी गई थी, इस बार पूरी संभावना है 5 नंबर 10 नंबर में जो है आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसको याद रख के जाइएगा, ठीक है। ये सारे जो सवाल राजस्थान जन आधार योजना को अच्छे से डेट वगैरह जो इकोनॉमिक सर्वे में जो एक एक लाइन लिखी हुई है ना, क्या क्या है 10 अंकों का 11 अंकों का, वो पूरी तरीके से कंटेस्ट करके जाना, ये इसमें जो है इससे सवाल इस बार प्रीलिम्स में और मेंस में पूछे जाने की संभावना है। वो स्टेटमेंट दे देंगे राजस्थान जन आधार योजना से क्या समझते हो, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है, आपसे पूछी जा सकती है। तो बाकी कल 7:30 बजे और 31 को जो है हम हमारा करंट अफेयर्स जो होगा वीकली उसको भी लेके आएंगे, और जो हमारे मैं ये प्लस वाले हैं उनके लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ इसी जो है अगले महीने के फर्स्ट वीक में, और आपकी ताकि प्रीलिम्स में भी जो है अच्छा सा एवलेट हो पाए आपका, जो सर्वे पढ़ा रहा उनका भी टेस्ट हो जाएगा। अपने रैंडमली टेस्ट नहीं होगा, अपने सर्वे के चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, ठीक है। सर्वे के चैप्टर वाइज की पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया, पहला चैप्टर आपने पढ़ा, अब उसका प्रीलिम्स का टेस्ट पूरे चैप्टर का, तो पूरे चैप्टर के 100 सवाल निकाल दिया, आपने 100 सवाल सॉल्व किए, तो एक तो उसने आपने उसको पढ़ा, और मैं आपको बताऊं कि आपके 76 नंबर की कट ऑफ रही तो 22 नंबर के सवाल यहाँ से थे, तो 22 नंबर आपके एक, क्योंकि पढ़ना भी है और स्ट्रेटजी वे में पढ़ना बहुत जरूरी है। एक ही जगह अपनी अगर राजस्थान की इकोनॉमी में अपनी एनर्जी लगाना चाहते हो तो इकोनॉमिक सर्वे में लगाइए ये, और इसके साथ में वीकली करंट अफेयर्स के भी सवाल में डालूंगा। और इसके अलावा दूसरा टेस्ट होगा राजस्थान की पॉलिटी का, दो सब्जेक्ट साथ में चलते रहेंगे, तो हर एक 15 दिन में 2-2 सब्जेक्ट आपके पूरे हो जाएंगे टेस्ट सीरीज के बहाने, है ना। 15 दिन में राजस्थान पॉलिटी होगी, 15 दिन में जो है इकोनॉमिक सर्वे के टेस्ट हो गए, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। जो लोग जुड़ने के इच्छुक है, दिस इज माई कोड PROHIT10 कोड, इसको आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने से आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें सभी टीचर्स की क्लासेज है, ऑल टीचर्स क्लासेज इसमें इंक्लूड है, और इसमें आपको PDF के रूप में नोट्स मिल जाएंगे, आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में, मेरे नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल रहेंगे, और उसमें आपकी RBSE और NCERT का कंपाइलेशन पूरा होगा, ठीक है, पूरा होगा। न्यू बैच नरेंद्र जो है हमारा न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 5 से, ठीक है, 5 तारीख से हो रहा है, 5 अप्रैल से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी वहां खत्म हो रही है 5 को, तो 5 से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की हिस्ट्री जो है वो शुरू करेंगे। राजस्थान की जो अध्ययन की पुरानी किताबें आती है 9, 10, 11 और 12 की 4 किताबें, और राजस्थान की क्लास 6 से 12 तक की जो किताबें आती है नई वाली, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कंटेंट होगा, इनका 110% इनका कंटेंट इसमें होगा, क्योंकि सवाल यहां से आ रहे हैं। तो ये जो 6 किताबें ये और 4 किताबें ये, 10 किताबें जो है, 10 किताबों का मैटर आपको मैं पहले तो एक ही जगह लाऊंगा, जैसे जांबोजी के बारे में राजस्थान अध्ययन में भी लिखा है और जांबोजी के बारे में नई किताबों में भी लिखा हुआ है, तो उनको एक ही जगह ले लिया, उनको एक जगह ले लिया, फिर मैंने आपको पढ़ा दिया, वो फैक्ट है, तो आपके पास में फिर आपको ये दुविधा नहीं होगी कि राजस्थान अध्ययन से मुझे राजस्थान का हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर मुझे फिर अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो करने की जरूरत नहीं होगी, वो सारा एक ही जगह होगा। तो इस तरीके से होगा, राजस्थान इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी की ऑलरेडी क्लास चल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नोट्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएंगे, तो आप बेफिक्र होकर जो है ज्वाइन कर सकते हैं, बेफिक्र होकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है हितेश, जल्दी प्लान करते हैं, ठीक है, जल्दी प्लान करते हैं इसको।
सुनील करंट का वीडियो हमारा 31st को है, परसों, और परसों 12:30 बजे है ना, परसों 12:30 बजे हमारा मंथली मार्च का जो है करंट अफेयर्स का वीडियो है, ठीक है। हाँ तारा, तारा चंद जल्दी बनाएंगे है ना, जल्दी बनाएंगे स्टूडियो वाला वीडियो। हाँ प्लस पर अभी मैं आपको वो सेंड कर दूंगा लिंक, अगर क्लास होगी तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ प्लस पर जो क्लास है हमारी 1 अप्रैल से शुरू करेंगे, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज प्लान कर रहा हूँ आपकी, तो 1 अप्रैल से अपने प्लस पर क्लास शुरू करेंगे है ना। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक हमारी प्लस पर क्लास होगी, जो इंडिया की इकोनॉमी की जो क्लास बाकी है ना, 5 क्लास है वो 1 अप्रैल से हम क्लास शुरू करेंगे। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक इंडिया की इकोनॉमी की क्लास हो जाएगी, 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक। और 5 अप्रैल को जैसे ही इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी, हम जो है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री शुरू कर देंगे, ठीक है, शुरू कर देंगे। थैंक यू सुनील। अरे ब्यूटीफुल कहाँ लग रहा। प्री की टेस्ट सीरीज, प्री की टेस्ट सीरीज 7 अप्रैल से शुरू हो रही है, आपको कल टाइम टेबल मिल जाएगा अंशुतोष है ना। और अंशुतोष मैंने आपको मैसेज भी किया था कॉल करने के लिए, तो उस टाइम पे मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ इकोनॉमिक सर्वे तो यहाँ पूरा करवा रहा हूँ, बेफिक्र रहिए, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाने के बाद में मैं आपको बताऊं, मैं आपको ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे जो दे रखा है, ये राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाने के बाद में, उसके बाद में भी राजस्थान इकोनॉमी की 10 क्लासे और लूंगा, और वो 10 क्लासे जो लूंगा उसमें राजस्थान के सरकार की ऐसी योजनाएं जो इकोनॉमिक सर्वे में नहीं है या उनका कम उल्लेख है, लेकिन फिर भी सवाल ऐसे आते हैं, जैसे एक जगह मैंने पढ़ाया था संबल योजना है वगैरह योजना है, तो उनके लिए मैं अलग से क्लास लूंगा कि डिपार्टमेंट के सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को ढूंढ कर आपके लिए सारी योजनाएं लेके आऊं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जैसे पशुधन जो आपकी नई आई है 2019 की जो नई एनिमल हस्बेंड्री आई है, उसको थोड़ा डिटेल में करेंगे है ना। इकोनॉमिक सर्वे में तो बहुत थोड़ा सा दे रखा था, उससे ही काम तो हो जाता है, लेकिन उसको थोड़ा ये डिटेल में करवाऊंगा, थोड़ा तो आपको याद रहेगा, आपको आसानी रहेगी। कि उसके अलावा राजस्थान सरकार की जो ये नई नई योजना है, जैसे रिप्स पॉलिसी है ना, ये सारी पॉलिसी है उसके लिए, तो 10 ये इकोनॉमिक सर्वे की जितना हो रहा है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो है 10 क्लासे और रहेगी राजस्थान की इकोनॉमी की, तब जाकर आपका इकोनॉमी जो है वो अच्छे से कंप्लीट होगा, अच्छे से जो है कंप्लीट होगा, ठीक है ना। ताकि आप जाए तो एकदम तैयार होकर जाए कि जो है कोई प्रॉब्लम ना है, नहीं तो पढ़ाए और उसके बाद में अधूरा रहे तो फिर पढ़ने का मजा ही गया, पढ़ा और उसके बाद में लगा कि अरे अधूरा है और मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो तो काम करेंगे नहीं अपन। जैसे राजस्थान पॉलिटी मैंने पढ़ाई है, राजस्थान पॉलिटी मैंने पढ़ाई है, एक बार मैंने पढ़ा दी, अब उसके बाद में क्या है कि वो टाइगर सीरीज के वीडियो चल रहे, अब वो 1 तारीख से शुरू हो जाएंगे, वो पॉलिटी जो एडवांस लेवल की है ना, तो अब मुझे आसानी रहेगी, क्योंकि आपने राजस्थान पॉलिटी के वीडियो देख लो, अब प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में भी मैं लेके आ रहा हूँ राजस्थान, तो वो वीडियो राजस्थान की पॉलिटी के लिए वो वीडियो देख लो आप अच्छे से, 30-32 वीडियो है, बहुत अच्छी पॉलिटी हो जाएगी आपकी है ना। उस पॉलिटी के वीडियो को देखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जो वीडियो में पॉलिटी के एक एक लेके आऊंगा जिसमें सवाल बनते हैं सीधे सीधे, लेकिन वो सवाल ऐसे है कि किताबों में नहीं मिलते, वो टाइगर सीरीज में हम शुरू करें, तो उसको मैं लेके आऊंगा, तो आपको क्या होगा, आपको 2 सब्जेक्ट तो अभी मस्त हो गए, 15 तक टेस्ट सीरीज में कंप्लीट हो गए, फिर 2 सब्जेक्ट तो इस बहाने मैं आपकी तैयारी करवा लूंगा, ठीक है। आज देखो एक चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अभी जैसे टाइम ऐसा आया है कि आप देखिए कि एग्जाम्पल के रूप में अभी जैसे आप राजस्थान की इकोनॉमी देख रहे हैं, ये तो अपने मन के वहम होते हैं, जैसे आप राजस्थान की इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, अभी ये पढ़ रहे हैं, ये राजस्थान की इकोनॉमी आप प्री का भी पढ़ रहे हो और आप मेंस का भी पढ़ रहे हो, इसमें ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए अलग है कुछ, ये पढ़ रहे हो ना इसमें से भी प्री में सवाल आएंगे, इससे ही मेंस में सवाल आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि मेंस के लिए कुछ अलग है ना। वो 10 वीडियो लूंगा पॉलिसी वाले, वो अलग होंगे। अब जैसे प्लस पर अपन इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो वो इंडियन इकोनॉमी आप प्री के लिए भी पढ़ रहे हो और आप मेंस के लिए, तो इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ रहा है तो उसको कभी डरना नहीं चाहिए कि मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूं कि मेंस की तैयारी कर रहा हूं, वो दोनों की तैयारी कर रहा है, अच्छी बात है, ऐसी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। एक फिर मैंने कहा था कि अगर 2 सब्जेक्ट आप लेकर चल रहे हो, इन दोनों को मिलाकर आपके प्री में आप कम से कम 40 नंबर कवर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, 76 में से 40 नंबर आप 2 सब्जेक्ट से कवर कर रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, वो भी बड़ी बात है। उसके बाद में आप एक सब्जेक्ट ऐसा लेके चलो जो आपके मेंस में हो, जैसे 4th पेपर करो,
हिंदी इंग्लिश डेली एक घंटा लेकर चलो। फोर्थ पेपर आपको आपके आपको फोर्थ पेपर में अगर कोई व्यक्ति 110 120 मार्क्स लेकर आता है, ये एग्जाम ये पेपर कभी आपको बाहर निकलने नहीं देगा एग्जाम से, ये हमेशा आपको अंदर रखेगा, है ना। आप इंटरव्यू देने के लिए बड़े अच्छे से जाओगे, वो इंटरव्यू अलग की बात है, लेकिन ये आपको बाहर नहीं, फोर्थ पेपर लेकर। बाकी एक सब्जेक्ट ऐसा पढ़ो, अब इसके बाद में कोई अगर पढ़ रहा है राजस्थान की हिस्ट्री तो वो प्री भी पढ़ रहा है। मैं इसके अब जैसे मैं कह रहा था कि जैसे लॉ है ना, ये जैसे बिहेवियर है, जैसे अकाउंटिंग ऑडिटिंग है, ये स्पोर्ट्स एंड योगा है, जैसे पबेड है ना, पबेड है, जैसे जैसे आप देखो तो मैनेजमेंट है, जैसे आप देखो तो एथिक्स है, जैसे और देखे तो लॉ, और देखे तो क्या है, बिहेवियर है। अब ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो केवल आपके मेंस में है। तो आपने इसमें से जो भी पढ़ा है ना, जैसे मान लीजिए आपने चार पांच पढ़ लिए, दो बाकी है, ये छोटे छोटे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। अब इसको आप इसको पढ़ना बंद कर दो, अब इसको जो है पढ़ना बंद कर दो, अभी वो टाइम आ गया है कि आप तीन चार महीने आप प्रीलिम्स में थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, तीन चार महीने। अब इसको अगर आपका पढ़ना बंद, तो आज इसे बंद नहीं करना है। मैं ये मेरा कहने का मतलब है कि अगले जो है 7 दिन में आपका कंप्लीट हो रहा है, अगले 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो आप 7 दिन और 10 दिन में आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि इस बार जो है प्रीलिम्स में प्रीलिम्स में पेपर अच्छा खासा आता है, इस बार प्रीलिम्स में जो है कट ऑफ अच्छी रहेगी, कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है, हमेशा कॉम्पिटिशन तो बढ़ता ही है, तो कॉम्पिटिशन अच्छा रहेगा। तो मैं कहूंगा कि अगर 3-4 दिन अगर आपका ये बाकी है, 7 दिन बाकी है, तो 7 दिन में इसको कंप्लीट कर लो, लेकिन मेंस का कोई नया सब्जेक्ट शुरू मत करो। हाँ बिल्कुल राम, मैं शेयर कर दूंगा। अब क्या करो कि आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ो जो प्री और मेंस दोनों में, अगर आप राजस्थान इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी कर रहे हो तो ये प्री में भी हो रही है और मेंस में भी हो रही है, या आप फिर राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हो, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो ये प्री में भी हो रहा है, मेंस में भी हो रहा है ना। वो तो कोई बुलित बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं प्री की तैयारी कर रहा हूं, वो तो है नहीं, ठीक है ना, प्री में भी हो रहा है, मेंस में भी हो रहा है। ये हिंदी इंग्लिश को एक घंटा देते रहो आप, इसको मत छोड़ो, हिंदी इंग्लिश को एक घंटा आप देते रहो, तो आप क्या होगी भाई, फोर्थ पेपर भी 200 नंबर का आप कर रहे हो, मेंस का ही कर रहे हो, ठीक है ना। जब प्री हो जाएगा तो प्री में होगा तो मेंस भी देना है, तो प्रीलिम्स के लिए आप आ जाओ अभी जो है तैयारी में। और मैं 7 मार्च से आपकी जो है 7 अप्रैल से जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ, राजस्थान इकोनॉमी और राजस्थान की पॉलिटी, तो 2 सब्जेक्ट ऐसे आप पढ़कर आओगे तो ये प्री में भी हो रहे हैं और मेंस में भी हो रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अभी इसको जो है केवल मेंस के हैं, लॉ, बिहेवियर, स्पोर्ट्स एंड योगा आपने पढ़ लिया है, या आपका अगले 7 या 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो उसको कर लो कंप्लीट, है ना। अगर आप इसकी जगह इसको कर लिया, इसकी जगह आप राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी आप शुरू कर सकते हैं, आप अपने लेवल पर, है ना, वो तो है। साइंस भी शुरू कर रहे हो तो साइंस कर रहे हो अगर आरबीएससी की किताबों से, अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इंडिया ज्योग्राफी कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो, प्री भी कर रहे हो और मेंस भी कर रहे हो, क्या नहीं पढ़ पा रहे हो। अभी ये नहीं पढ़ोगे कि आप लॉ, बिहेवियर, अकाउंटिंग, स्पोर्ट्स एंड योगा, पबेड, ये नहीं हो तो कोई नहीं, ये तो प्री के बाद में जो 3-4 महीने मेंस का समय मिलेगा, तो अगर ये राजस्थान ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह ये अच्छी खासी हुई होगी तो इनको ही तो पढ़ना है, क्या टाइम लगेगा उसको। अगर आपने एक बार पढ़ चुके हो तो इसको पढ़ना ही था उसका, या नहीं भी पढ़ा है तो कोई ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है इनमें, ठीक है ना, लगने वाला नहीं है। लेकिन अभी आप थोड़ा प्रीलिम्स फोर में आ जाइए, एक घंटा जैसे मैथ्स को दो, थोड़ा मैथ्स में कैसे करो, परसेंटेज टॉपिक शुरू किया तो लोड मत लो, परसेंटेज टॉपिक के डेली जैसे टाइम रखोगे, डेली 7 सवाल सॉल्व करने, बस तो 7 सवाल सॉल्व कर दिए बहुत है, ऐसे 7-7 सवाल सॉल्व करके अगर परसेंटेज का टॉपिक 7 दिन में भी पूरा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे करो आराम, लेकिन समझ के रटना मत, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे किरण पब्लिकेशन की आपने किताब ले ली और अभी क्या है कि इसको करना शुरू करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का प्रीलिम्स क्लियर ना हो, या प्रीलिम्स जब क्लियर नहीं होता बड़ा दुख होता है कि एक बार कलम चलाने का तो मौका मिलता, फिर भी मेंस आदमी दे देता है तो एक सुकून तो होता है कि चलो मेंस दिया, मुझे मेंस का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। मैं तो सब चाहते हैं कि सबका सिलेक्शन हो अच्छे से आप दो, लेकिन एटलीस्ट आप मेंस तो लिखे, ताकि और इस मोड में भी लाना जरूरी है आपको। तो अभी शुरू कर रहे हैं हम, तो आप सभी का स्वागत होगा वहां पर, एंड ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। इकोनॉमिक सर्वे अच्छा जो कर रहे हो उस पर फोकस रहिए, राजस्थान इकोनॉमी कर रहे हो तो राजस्थान इकोनॉमी अच्छे से कवर करो, क्यों, क्योंकि ये आएगा एग्जाम में। आप जो नहीं कर रहे हो ना, जब राजस्थान इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो राजस्थान इकोनॉमी के बारे में ही सोचो, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो, अब उसके बाद में एक सब्जेक्ट शुरू करना है, तो आपने वो सब्जेक्ट जो नहीं शुरू किया है, जो प्री और मेंस दोनों में, ज्योग्राफी है, राजस्थान पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, वो करो, उसको शुरू कर दो। प्री के लिए पढ़ रहे हो तो प्री का सिलेबस पास में होना चाहिए,
ठीक है, और शुरू कर दो उसको। तो आप सभी का धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। और 1 अप्रैल से अपने प्लस पर अपन शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमी, जो 5 क्लासें रही है उसको, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का।